अरे 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 मत खाइए हट सब से छकिया का भैया हल्का सा इधर उधर हो जाइए हमको घूस जाने दीजिए देखो भाई यही लोग मोबाइल छीनते हैं ये जो खड़ा है ना हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से और आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली है आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 1408 रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस में। आप सभी को बता दूं कि ये एक सब्सक्राइबर डिमांड ट्रेन जर्नी है जो किसी सब्सक्राइबर के कहने पर होने जा रही है। बहुत दिनों से भाई का कमेंट आ रहा था कि रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस में सफ़र कीजिए, फाइनली आज मौका मिल चुका है रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस में सफ़र करने का। तो अगर आपकी भी कोई फेवरेट ट्रेन या फिर कोई फेवरेट ट्रेन रूट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस ट्रेन को और उस ट्रेन रूट को कवर करने की। चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और हम इस ट्रेन के सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल कोच में सफ़र करने वाले हैं। चलिए बाकी देख लीजिए, इस ट्रेन के लिए उतनी ज़्यादा भीड़ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, देखते हैं। अभी खैर 1.5 घंटा का समय है अभी इस ट्रेन को यहाँ से निकलने में। चलिए लगाई जा रही है अपनी रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस 7 लोकोमोटिव के साथ समस्तीपुर सेट का आ चुकी है अपनी रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस। और देख लीजिए लोग लटकना स्टार्ट कर चुके हैं भाई। अबे यार देखो गिर गया, गिरेगा यार देखो। अरे 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 यार ऐसे मत करो भाई लोग। अरे देखो देखो तू ही गिरेगा, ये भी गिरेगा, मतलब गजब लोगों को समझ ही नहीं है भाई। अरे भैया सब सीट मत खाइए, हां हट सब सीट छकिएगा का, सब सीट छकिएगा सब जगह ना ना होवे नहीं करेगा, सब जगह नहीं ना छक लीजिएगा, सब जगह नहीं छकने देंगे। मोबाइल वहां पहले आप छके, वहां से हम भाग के इधर आए, सब जगह नहीं ना छकिएगा। देखिए ये भैया सब जगह सबका ठीका ले रखे हैं, सबका सीट छेक रहे हैं भैया, ये सबका सीट मोबाइल रख के बोल रहे हैं कि हमारा सीट है। पहले आप वहाँ पे बैठे, आप वहाँ पे बैठे ना, वहाँ पे बैठ के फिर यहाँ पे बैठ के आए, और वहाँ पे बैठे तो वहाँ बैठे ना, जो आएगा वो बैठेगा, सीट नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे भैया, बात मानिए ना। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि बता नहीं सकते हैं, खुद भी बैठेंगे और दो चार लोगों का ठेका भी लेकर आते हैं सीट पकड़ने के लिए, रुमाल रखेंगे और बोलेंगे हमारा सीट है। मतलब ये कहाँ का भाई नियम है मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी एक चाचा थे, मतलब सीट पर रुमाल रख दिया तो सीट उनका हो गया, समझ ये कौन सा नियम है भाई। बाकी अपने को सीट मिल चुका है, साइड वाला सीट मिल चुका है। चलिए अभी ट्रेन को यहाँ से निकलने में 1.5 घंटे का समय है, बाकी कंडीशन देख लीजिए अंदर का, खाली तो भाई नहीं जाएगी ये भी ट्रेन है, बात भी पक्की है कि ये भी ट्रेन खाली नहीं जाने वाली है दिल्ली से बिहार। देखते हैं इस ट्रेन का कंडीशन कैसा रहता है और चेहरे पर मुस्कान लेकर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अंत में चेहरे पर मुस्कान लेकर उतरते हैं कि नहीं। बात करें रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग की तो ये ट्रेन वीक में 2 दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार को 4:30 पर आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है और 1260 किलोमीटर की दूरी तय करती है 29 घंटा 20 मिनट में 35 होल्ट के साथ, और अगले दिन रात 9:30 पर आपको रक्सौल पहुंचा देती है। देख लीजिए जनरेटर का स्टार्ट होता है तो भाई कितना आवाज करता है। बिल्कुल तय वक्त से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल से, अपनी ट्रेन निकल रही है। चलो भाई जय श्री राधे राधे। चलिए भाई थोड़ा सा अंदर हो जा, अपनी ट्रेन निकल चुकी है आनंद विहार टर्मिनल।
रही है फिर भी। और भाई मैं जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इस ट्रेन में भीड़ हुई है। मैं नहीं सोचा था कि इतना इस ट्रेन में भीड़ हो पाएगी, क्योंकि आज अमृत भारत एक्सप्रेस भी निकली है दरभंगा के लिए। लेकिन देख लीजिए हाल है, ट्रेन पूरी की पूरी पैक हो चुकी है। बाथरूम के पास वाला एरिया है, पैक है। बाकी अंदर का कंडीशन देख लीजिए, अंदर का कंडीशन ये है, मतलब ट्रेन पूरी की पूरी पैक हो चुकी है आनंद विहार टर्मिनल में ही। वैसे भी इस ट्रेन का 30 होल्ट होने वाला है पूरी जर्नी के दौरान, तो छोटे छोटे होल्ट पे भी रुकते हुए जाती है ये ट्रेन। तो जहाँ जहाँ रुकेगी वहाँ वहाँ से इस ट्रेन में सवारी चढ़ेंगे। बाकी देख लीजिए कंडीशन, पूरी की पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इस ट्रेन में इतना क्राउड होगा। लेकिन भाई टाइम से निकलते निकलते ट्रेन आनंद विहार में टर्मिनल में पैक हो चुकी है पूरा। देख लीजिए कंडीशन, एकदम पूरा भर चुका है भाई, गेट पूरा पैक हो चुका है। देख लीजिए घुस जाओ अंदर। घुस जाओ नहीं तो नाचने लग जाओगे वहीं पे। अगली बार मिलते तब भी देंगे। आधा बच्चा छोड़ के आएंगे, आधा बच्चा लेके जाएंगे। पैरेलल ओवरटेक भाई देखने को मिल रहा है मालगाड़ी के साथ। भाई लग रहा है मालगाड़ी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निकल जाए। चलिए मालगाड़ी को पीछे छोड़ती हुई अपनी सद्भावना एक्सप्रेस। भाई पैरेलल ओवरटेक देखने को मिला था एकदम। की ना बात ही अलग होती है भाई, साउंड इतना प्यारा आता है ना, मजा आ जाता है सुनकर। ये है अपनी हम सफर कटिहार नई दिल्ली हम सफर एक्सप्रेस। भाई ओवरटेक करके निकल रही है, देख लीजिए। देखिए गाजियाबाद से चढ़े हुए लोग कैसे गेट पर लटके हुए हैं। फाइनली अपनी ट्रेन ओवरटेक का शिकार हो गई। देखो भाई यही लोग मोबाइल छीनते हैं, ये जो खड़ा है ना, देखो। हापुर जंक्शन पहुंच रहे हैं। 49 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं हापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और माफ़ करिएगा दोस्तों, हर स्टेशन पर उतरकर वीडियो बनाना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेन में क्राउड बहुत ज़्यादा है, गेट पे लोग बैठे हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए शायद हो सकता है कि हर स्टेशन पर उतर कर मैं शूट ना कर पाऊँ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। क्या खूबसूरत शाम ढलने जा रही है। हापुर जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन दिल्ली वाली जिधर से हम आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से मेरठ की ओर चली जाती है, एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं मुरादाबाद की ओर, इसलिए हापुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
देख लीजिए यही कंडीशन है कि मैं हर स्टेशन पर उतर को आप सभी को नहीं शूट करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि आने जाने का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। फोटो भेज रहा हूँ आपको, मेरा भैया है ये गो देख लीजिए यही कंडीशन है कि मैं हर स्टेशन पर उतर नहीं सकता हूँ। मुक्तेश्वरगढ़ पुल मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। टाइम 7:35 हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है अपनी ट्रेन। बाकी मुरादाबाद को पता ही है आप सभी को, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर पीतल के सामानों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सामान बनाया जाता है पीतल का। बाकी मुरादाबाद एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक अम्बाला वाली लाइन अलग हो जाती है और एक यहाँ से दिल्ली वाली लाइन अलग हो जाती है और एक यहाँ से अलीगढ़ वाली लाइन अलग हो जाती है और एक यहाँ से लाइन चली जाती है रामनगर की ओर और एक लाइन यहाँ से चली जाती है लखनऊ की ओर। ये सारी लाइनें यहाँ आकर मिल रही है, इसीलिए मुरादाबाद को जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। 10 मिनट का होल्ट लेने के बाद मुरादाबाद से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। पीतल नगरी मुरादाबाद। मुरादाबाद में मैं स्टेशन का व्यू लेने के लिए बाहर उतरा था और आलम ऐसा है कि यहाँ से अब मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। कंडीशन ऐसा हो चुका है, मतलब पूछिए मत, देख लीजिए आप क्या कंडीशन हो चुका है। इसलिए अब मैं रात में किसी भी स्टेशन पर उतर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई उतरना और चढ़ना दोनों ही मुश्किल हो चुका है। आदमी ना ही उतर सकता है और ना ही चढ़ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है कि ट्रेन चल दे और हम नहीं चढ़ पाए तो दिक्कत होगा। इसलिए रात में अब किसी भी स्टेशन पर हम नहीं उतर पाएंगे। आज देख लीजिए अब यहाँ से आदमी कैसे जाएगा अंदर, हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। चैनल है, मैं चैनल है ट्रेवल लवर सूरज। भैया हल्का सा इधर उधर हो जाइए, हमको घूस जाने दीजिए। बड़ा ही कष्ट है। अरे बाप रे बाप, बैठने से नहीं होगा भाई। भैया थोड़ा सा इधर हो जाइए ना भाई, मैंने सब्सक्राइब कर लिया। ओके भाई, थैंक यू। हां पर आ गया ना, ओ यार चैनल अब मैं फैलाऊंगा। देख लीजिए क्या कंडीशन है इस ट्रेन का, आप मतलब देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसमें इंसान सफर कर रहा है। भैया थोड़ा सा हटिए इधर। कौन सा चैनल है आपका? थोड़ा सा इधर साइड साइड में है। ट्रेवल लवर सूरज चैनल का नाम है। ट्रेवल लवर सूरज। देख लीजिए भाई कंडीशन क्या कंडीशन है। इसलिए भाई अब मैं रात में सच बता रहा हूँ किसी भी स्टेशन को कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रही है नीचे उतरने में और चढ़ने में। नई दिल्ली से 197 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन ने कवर कर लिया है और पहुंच गई है अपने 7वें हॉल्ट चंदौसी जंक्शन। यहाँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और काफ़ी छोटा सा स्टेशन है चंदौसी जंक्शन। देख लीजिए अभी प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है और भाई नीचे उतरने की कंडीशन नहीं है, आप सभी को पहले ही दिखा चुका हूँ, इसलिए नीचे नहीं उतर रहा हूँ। बिल्कुल तय वक्त से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है चंदौसी जंक्शन से 8:45 पर।
इतनी भीड़ बार में भी ना जाने लोग कैसे अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। शाहजहांपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, मैं थोड़ा सा नींद में था इसलिए अराइवल नहीं ले पाया। खोलिए काका। पहुंच रहे हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। रात के 2:40 का वक्त हो चुका है। आनंद विहार से 496 किलोमीटर की दूरी अपने ट्रेन ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन जर्नी के बराहवे हॉल्ट लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ वैसे अपनी ट्रेन का पहुँचने का सही समय था 2:15 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 40 मिनट की देरी से यहाँ आई है 2:55 पर। यहाँ अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट भी है और लखनऊ में थोड़े बहुत पैसेंजर इस ट्रेन से डिवोट हुए हैं। अब जाके ट्रेन के कोच के अंदर थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, नहीं तो भाई आए तो आप देख ही रहे थे। तब जाके मैं लखनऊ को कवर करने के लिए थोड़ा स्टेशन पर आया हूँ। बाकी कुछ अच्छा सा रेलवे स्टेशन है अपना लखनऊ रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप रात का नज़ारा। नवाबों के शहर लखनऊ से अपनी ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन लखनऊ से। सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन भाई देखो, यहीं स्टेशन में प्यारा कर्व है ट्रेन का। तो दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और आनंद विहार टर्मिनल से 722 किलोमीटर की दूरी अपनी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 18वें हॉल्ट जौनपुर सिटी। यहां अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और भाई इस ट्रेन के इतने ज़्यादा हॉल्ट हैं ना कि अगर मैं सारे हॉल्ट्स को कवर करूँगा तो वीडियो का खामोखा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ स्टेशन को स्किप कर दे रहा हूँ। देख लीजिए जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन। जाफराबाद जंक्शन पर कोई तो ट्रेन लगी थी जो डिपार्ट कर चुकी है। अपनी हेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से गाजीपुर सिटी के बीच चलने वाली सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी वाराणसी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ तक अपनी ट्रेन ने 780 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है और ये अपनी ट्रेन का 19वां हॉल्ट है।
यहाँ अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 9 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 40 मिनट बिफोर ही वाराणसी जंक्शन पर आ चुकी है। बाकी वाराणसी जंक्शन एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें अलग हो जाती है। एक लाइन यहाँ से चली जाती है अयोध्या की ओर, एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं सुल्तानपुर की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है छपरा की ओर, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है प्रयागराज की ओर, और भी एक दो लाइनें शायद यहाँ आकर मिलती है। इसलिए वाराणसी एक बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अब अपनी ट्रेन यहाँ पर लगभग 1 घंटे रुकने वाली है, क्योंकि 40 मिनट पहले ही आ गई है और 10 मिनट का हॉल्ट भी है। चाय बिस्किट के साथ अपना ब्रेकफास्ट चल रहा है, और भाई पेंट्री का चाय इतना बकवास होता है ना कि मतलब मजबूरी में ही आदमी लेता है पीने के लिए। मतलब इतना बकवास चाय है ना, सिर्फ मैं बिस्कुट खाने के लिए लिया हूँ। वैसे ही पेंट्री का चाय मैं पीता नहीं हूँ, स्टेशन पे कहीं अच्छा चाय मिल जाए तो ले लेता हूँ। लगभग 1 घंटे का स्टॉप लेने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से, और सामने देख लीजिए लगी हुई है पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन सिर्फ आज से 4-5 दिन पहले ही हुआ था। ये ट्रेन पटना से गोमती नगर के बीच चलती है वंदे भारत। सपना तो है एक दिन वंदे भारत में भी सफर करने का, देखिए कब तक पूरा होता है। और सामने लगी हुई है महानगरी एक्सप्रेस जो CMST और वाराणसी के बीच चलती है, महानगरी एक्सप्रेस। वाराणसी सिटी, यहाँ भी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वाराणसी सिटी से निकलते ही बारिश स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिए एकदम बारिश वाला मौसम हो चुका है। बारिश होने के बाद मौसम कितना सुहाना हो गया, देखिए यार। भावना एक्सप्रेस है जो रक्सौल से आनंद विहार की ओर जा रही है। सद्भावना एक्सप्रेस का सद्भावना एक्सप्रेस से आमना सामना हो रहा है गाजीपुर के आउटर पर। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, 2 मिनट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। पूरा एकदम मौसम सुहाना हो चुका है, बारिशों वाला मौसम एकदम हो चुका है, और काफ़ी मस्त लग रहा है आज का मौसम। जब से ट्रेन निकली है ना, कहाँ से वाराणसी से, वहीं से बारिश स्टार्ट हुई है, अभी भी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच अपना अराइवल हो रहा है बलिया रेलवे स्टेशन पर।
और सामने लगी हुई है लेजेंडरी कामायनी एक्सप्रेस, बलिया से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलने वाली। आनंद विहार टर्मिनल से 918 किलोमीटर की दूरी अपनी ट्रेन ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के 27वें हॉल्ट बलिया रेलवे स्टेशन। वैसे यहां अपनी ट्रेन का पहुंचने का सही समय था 11:55 पर, लेकिन अपनी ट्रेन यहां पर लगभग 25 मिनट की देरी से आई है 12:20 पर। यहां पर 5 मिनट का होल्ट है और बहुत सारे सवारी यहां पर उतर गए हैं। ट्रेन यहां पर बिल्कुल खाली हो चुकी है और बलिया में काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। सामने देख लीजिए, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है भाई। टर्मिनल से 985 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन और हम पहुंच गए हैं अपने ट्रेन जर्नी के 29वें हॉल्ट छपरा जंक्शन। छपरा जंक्शन इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 2:10 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 10 मिनट डिले के साथ यहां पर आई है 2:30 पर। बाकी हमारी ट्रेन जर्नी इस ट्रेन से बस यहीं तक थी। अब ये ट्रेन यहाँ से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते चली जाएगी रक्सौल के लिए और हम चले जाएंगे यहाँ से अपने घर। आप सभी को रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठे हमारे साथ ट्रेन यात्रा करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, बाय बाय।